का टॉपिक है थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यूनिट फर्स्ट के लिए जो है सो वीक इंटरैक्शंस, कमज़ोर अंतरक्रिया है के अंतर्गत आता है। कंटेंट्स जो डिस्कस किए जाएंगे वो इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ थ्योरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, परिचय, कितने तरह के सिद्धांत हैं इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, आण्विक कक्षक सिद्धांत। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSA गवर्नमेंट PG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। सबसे पहले हैं हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत क्या है, थ्योरीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। केवल हाइड्रोजन ही इस प्रकार के बंध क्यों बना पाती है, आवर्त सारणी में कोई अन्य तत्व क्यों नहीं। सबसे पहले हम इस सिद्धांत के विभिन्न तथ्यों के ऊपर बात करेंगे कि केवल हाइड्रोजन ही इस प्रकार के कमजोर बंध क्यों बना पाते हैं, आवर्त सारणी में कोई अन्य तत्व क्यों नहीं। इसके लिए दो कारण उत्तरदायी है। एक, हाइड्रोजन का छोटा आकार, और दूसरा, हाइड्रोजन में कोर इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। दो कारण मेन रूप से इम्पोर्टेंट हैं, हाइड्रोजन का बहुत छोटा आकार तथा हाइड्रोजन में कोर इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। कोर इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे अणु है जिसमें बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही विद्युत अधिक विद्युत ऋणता के कारण एक ही ओर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर विस्थापित हो जाता है, जिससे एच पर काफ़ी धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। एच है, ए है, प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यहाँ एच एक बेयर प्रोटॉन, नग्न प्रोटॉन की भांति व्यवहार करता है, जिससे यह एच आंशिक रूप से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले अन्य परमाणु बी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाइड्रोजन में आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के न होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं पाया जाता है, और एच व ए परमाणु एक दूसरे काफ़ी निकट आ जाते हैं। कहता है कि भाई आंशिक रूप से जो ऋणावेशित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले अन्य परमाणु जैसे बी है को अपनी ओर जो है सो ये आकर्षित करता है, और आंशिक रूप से ऋणावेशित आकर्षित करता है। हाइड्रोजन में इंटर इलेक्ट्रॉन आंतरिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं पाया जाता है, और एच व ए परमाणु एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के तीन सिद्धांत दिए गए हैं, स्थिर विद्युत सिद्धांत, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अनुकक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्थिर विद्युत सिद्धांत, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, ये क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन वन एच ए अणु के आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन था एक अन्य विद्युत परमाणु बी के इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, अर्थात वन की प्रकृति आयनिक है। वन की प्रकृति आयनिक है। इस सिद्धांत का समर्थन इस तथ्य द्वारा होता है कि हाइड्रोजन बंध कमजोर है, दुर्बल है, तथा एक ही विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ हाइड्रोजन बंध की बंध सामर्थ्य भी बढ़ती है। इस सिद्धांत का समर्थन इस तथ्य द्वारा होता है कि हाइड्रोजन बंध दुर्बल है तथा एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ हाइड्रोजन बंध की बंध सामर्थ्य भी बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। दूसरा सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन बंध केवल स्थिर विद्युत प्रकृति का ही नहीं बल्कि इसमें सहसंयोजक प्रवृत्ति भी है।
प्रकृति भी है, जिसकी व्याख्या रेजोनेंस के आधार पर की जा सकती है, अनुनाद के आधार पर की जा सकती है, किसी AH बी तंत्र में हाइड्रोजन बंध को निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे पहला ये AHB कंप्लीट बॉन्डिंग है, फिर दूसरा है AH शेयर किया हुआ है AH और B में, और तीसरा है B जो है सो H को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये जो है सो H को दे देता है। संरचना थर्ड दर्शाती है कि A और B परमाणु H से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। इस प्रकार इस संरचना में हाइड्रोजन परमाणु बाईवैलेंट के रूप में जुड़ा रहता है, अतः इस संरचना का योगदान नहीं होना चाहिए। संरचना फर्स्ट और सेकंड का इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट और सेकंड में हाइड्रोजन बंध में मुख्य रूप से योगदान होता है HF2- आयन में, HF2- आयन में नीचे दर्शाई तीनों संरचनाएं समान योगदान करती है। इसका समान योगदान होना चाहिए, मुख्य रूप से योगदान होता है। इसी तरह से अगर हम देखें HF2- में नीचे दर्शाई तीनों संरचनाएं H+F- H+F- FH F- तथा F- HF थर्ड, तीनों संरचनाएं समान रूप से योगदान देती है। अणुकक्षक सिद्धांत, अब इसके बाद तीसरा सिद्धांत जो है वो अणुकक्षक सिद्धांत है, मॉलिक्यूलर बल थ्योरी। उदाहरण के लिए हम HF2- पर विचार करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु का 1s1 कक्षक, फ्लोरीन परमाणु का 2pz1 कक्षक तथा फ्लोराइड आयन का 2pz2 कक्षक आपस में संयोजन द्वारा तीन आणविक कक्षक बनाते हैं। इन तीन का आणविक कक्षकों में से एक बॉन्डिंग, एक विपरीत बंधी तथा एक अबंधी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसको इस फिगर से हम देख सकते हैं। H का 1s1 कक्षक और F का 2pz1 2pz और F- का 2pz कक्षक आपस में संयोजन द्वारा तीन आणविक कक्षक बनाते हैं। इन तीन आणविक कक्षकों में से एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग तथा एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। जैसे 1s का हाइड्रोजन का F- का 2pz2 और F का 2pz1 इलेक्ट्रॉन ये आपस में संयोजन करते हैं, संयुग्मन करते हैं, और उससे जो तीन हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर तीन बनते हैं HF2-। जब चार इलेक्ट्रॉन है तो कैसे व्यवस्थित होगा, तो दो जो है जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अणुक कक्षक, फिर दो बचे हुए जो होंगे वो नॉन बॉन्डिंग में आ जाते हैं और ये खाली रहता है, तो HF2- आयन का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख के द्वारा हम एच बॉन्डिंग पे हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास तीन थ्योरी हो गई, एक
इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, स्थिर विद्युत सिद्धांत, दूसरा है संयोजकता बंध सिद्धांत, तीसरा है अनुगत सिद्धांत। तीनों सिद्धांत के द्वारा जो है हाइड्रोजन बंध की व्याख्या की जाती है। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं।